गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ क्लास फॉर क्लास 7 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्यूटर. सो ओपन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 46, जिसमें हम चैप्टर 4 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे. बेसिक HTML टैग्स. अब HTML में कौन कौन से टैग्स हम यूज़ करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं. HTML प्रोवाइड वेरियस टैग्स सच एज HTML हेड, टाइटल, बॉडी एंड मैनी मोर. लेट अस डिस्कस सम टैग्स इन डिटेल. ठीक है, बहुत सारे टैग्स जो है HTML प्रोवाइड करवाता हमें, उसमें से कुछ है HTML हेड, टाइटल, बॉडी, और भी बहुत सारे होते हैं. कुछ जो टाइटल्स हैं उनको हम, कुछ जो टैग्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. द HTML टैग, HTML टैग किसके लिए होता है? द HTML टैग टेल्स द वेब ब्राउजर दैट द टेक्स्ट कंटेन बिटवीन HTML एंड एंड ऑफ HTML इज अ वेब पेज दैट कैन बी व्यूड यूजिंग अ वेब ब्राउजर. एवरी वेब पेज कोडिंग मस्ट स्टार्ट विथ द HTML टैग एंड एंड विथ एंड ऑफ HTML टैग. ठीक है, HTML टैग जो है एक हमें बताता है कि जो वेब ब्राउज़र है उसके अंदर हमने बहुत सारे टेक्स्ट जो है लिखे हुए हैं. ठीक है, किसके बीच में? HTML से के HTML और एंड ऑफ HTML, जो कि हम कैसे बताते हैं, स्लैश HTML से लिखते हैं. ठीक है, HTML एंड स्लैश HTML के बीच में जितने भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो वेब ब्राउज़र से रिलेटेड होता है. मतलब जो भी हमारा पेज है उसमें जो भी हमारे कंटेंट होंगे वो HTML और एंड ऑफ HTML के बीच में लिखे जाएंगे. ठीक है, एवरी वेब पेज कोडिंग मस्ट स्टार्ट, जो भी हमारा वेब पेज है जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है, उसका जो कोडिंग है वो हमेशा HTML से स्टार्ट होता है और एंड किससे होता है? स्लैश HTML टैग से. अगेन द हेड टैग डिफाइंस हेडर एरिया ऑफ द वेब पेज. हेड जो टैग होता है वो किसके लिए होता है? जो हम हेडिंग लिखते हैं अपने वेब पेज पे. द इंफॉर्मेशन गिव इन हेड टैग टेल्स द कंप्यूटर दैट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट बी शोन ऑन द वेब पेज. ठीक है, हेड टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं वो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि इसके अंडर जो भी टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा होगा वो वेब पेज में शो नहीं करेगा. इट इज़ कंटेनर टैग यूज इन पेयर एज हेड एंड स्लैश हेड. एवरी वेब पेज कोडिंग मस्ट हैव इट्स हेडर टैग. ठीक है, हमारा जो भी कंटेंट हेड और हेड जो स्टार्टिंग है, ठीक है, जो भी हमारा कंटेनर टैग रहेगा वो किसके बीच में रहेगा? हेड टैग और स्लैश हेड टैग या एंड ऑफ हेड टैग के बीच में रहेगा. एवरी वेब पेज में, हर एक वेब पेज में कोडिंग में हेडर टैग, मतलब ये हेड टैग या स्लैश हेड टैग जो है ज़रूर रहेगा. द टाइटल टैग टेल्स द वेब ब्राउजर द टेक्स्ट कंटेन बिटवीन टाइटल एंड स्लैश टाइटल इज द टेक्स्ट दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वेब पेज. इट विल बी शोन ऑन द टाइटल बार ऑफ योर वेब ब्राउजर. ठीक है, इसमें कहा गया है कि टाइटल और टाइटल टैग में जो भी हमारे टेक्स्ट कंटेन होंगे वो किसके बीच में होंगे? टाइटल एंड स्लैश टाइटल के बीच में होंगे. इसमें वो टेक्स्ट लिखे होंगे जो वेब पेज के पार्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारे वेब ब्राउज़र में जो टाइटल बार है वहाँ पे वो जो टाइटल है वो शो करेगा. जो हम लोग टाइटल और स्लैश टाइटल के बीच में लिखेंगे वो जो टेक्स्ट है, वो जो टाइटल है, वो हमारा वेब ब्राउज़र के टाइटल बार पे शो होगा. द यूज़ ऑफ टाइटल टैग इज़ नॉट मैंडेटरी. ठीक है, टाइटल टैग का जो यूज़ है वो मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है. इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव टाइटल ऑफ टू योर वेब पेज यू कैन स्किप इट. अगर आप अपने वेब पेज के टाइटल को, मतलब एक नाम नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. योर वेब ब्राउजर विल शो फाइल नेम एज पाथ एज टाइटल ऑफ योर वेब पेज. आप जिस भी नाम से अपने वेब ब्राउजर को सेव करेंगे, जो फाइल नेम रहेगा उस नाम से भी आपका टाइटल जो है वो वेब पेज पे शो करेगा. द बॉडी टैग टेल द वेब ब्राउजर दैट द टेक्स्ट कंटेंट बिटवीन बॉडी एंड स्लैश बॉडी टैग इज टू बी शोन ऑन द वेब पेज. ठीक है, बॉडी टैग जो है वो बताता है कि वेब ब्राउज़र में जो भी टेक्स्ट बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में लिखा जाएगा वो आपके वेब पेज पे शो करेगा. इट इज़ अ कंटेनर टैग. द बॉडी टैग हैज़ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स. ठीक है, अब बॉडी टैग के अंदर जो है अंडर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं. फर्स्ट है बीजी कलर, दैट इज़ नोन एज बैकग्राउंड कलर. ठीक है, दिस एट्रीब्यूट डिफाइन अ कलर टू द बैकग्राउंड ऑफ योर वेब पेज. ये किसके लिए रहता है? कि आपका जो वेब पेज का जो बैकग्राउंड है उसके कलर को डिफाइन करता है. कौन सा? टैग बीजी कलर. इट कैन बी यूज्ड एज अंडर. ये इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, जैसे बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, उसके बाद फिर क्लोज एंगुलर ब्रैकेट. ठीक है,
ओपन एंगुलर ब्रैकेट बॉडी बी जी कलर इज इक्वल टू रेड, जो हम किसमें लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, और उसके बाद क्लोज एंगुलर ब्रैकेट इस तरह से लिखेंगे, तो हमारा जो भी वेब पेज रहेगा उसका बैकग्राउंड हमारा रेड कलर में आ जाएगा। टेक्स्ट द एट्रीब्यूट डिफाइंस अ कलर टू द टेक्स्ट ऑफ द वेब पेज। अब हम अगर चाहते हैं कि जो हमारे वेब पेज पे जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं हम उनके भी कलर चेंज करें, तो हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज अंडर, इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ओपन एंगुलर ब्रैकेट बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लू, जो कि किसमें लिखा रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में, एंड अगेन क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो किस कलर में आ जाएगा, ब्लू कलर में आ जाएगा। बैकग्राउंड दिस इंसर्ट द इमेज एज द बैकग्राउंड ऑफ द पेज। ये क्या करता है कि इमेज जो है वो बैकग्राउंड में हमारे इंसर्ट करता है वेब पेज के। ठीक है, वेब पेज के जो बैकग्राउंड है उसमें कलर जो है बीजी कलर एट्रीब्यूट से जो है इंसर्ट करेंगे, और इसमें अगर इमेज हमें अपने बैकग्राउंड पे लगाना है तो हम बैकग्राउंड का जो एट्रीब्यूट है उससे हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन एंगुलर ब्रैकेट बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू लिली डॉट जी पी जी इन्वर्टेड कॉमा में, एंड अगेन क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में एक पिक्चर लगा सकते हैं। डिफरेंट एट्रीब्यूट कैन बी यूज स्टिमिनेंसली लाइक दिस। ठीक है, और भी एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओपन एंगुलर ब्रैकेट बॉडी बी जी कलर इज इक्वल टू रेड इन इन्वर्टेड कॉमा, टेक्स्ट इज इक्वल टू वाइट इन इन्वर्टेड कॉमा एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। डिफरेंट तरह के जो एट्रीब्यूट्स हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट अगर एक साथ हम चेंज करना चाहे तो इस तरह से भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द हेडिंग टैग, एवरी चैप्टर इन अ बुक हैज़ वेरियस हेडिंग एंड सब हेडिंग। ठीक है, हर चैप्टर जो भी बुक्स में मिलते हैं हमें उसके कुछ हेडिंग्स होते हैं, कुछ सब हेडिंग्स होते हैं, दीज आर नोन एज लेवल ऑफ हेडिंग, इन्हें हम लेवल ऑफ हेडिंग के नाम से जानते हैं। द हेडिंग टैग्स आर यूज टू गिव सिमिलर इफेक्ट टू द वेब पेज। ये जो हेडिंग टैग्स है वो हमारे कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो वेब पेज पे प्रोवाइड करवाते हैं। दीज आर कंटेनर टैग विद अ स्टार टैग एंड एन एंड टैग। ये जो जितने भी टैग्स होते हैं वो एक स्टार टैग से और एक एंड टैग से, एक स्टार टैग से स्टार्ट होते हैं, एंड टैग से एंड होते हैं। HTML कैन डिफाइन अप टू 6 लेवल ऑफ हेडिंग फ्रॉम H1 टू H6। ठीक है, HTML जो है 6 लेवल ऑफ हेडिंग जो है डिफाइन करता है, कहाँ से कहाँ तक, H1 से लेके H6 तक। H1 इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, H1 जो है वो फर्स्ट लेवल होता है हेडिंग का, और H6 जो है वो लास्ट लेवल होता है हेडिंग या सब हेडिंग का। ठीक है, हेडिंग टैग्स हैव अलाइंड एट्रीब्यूट्स। इसमें अलाइन एट्रीब्यूट्स जो है वो मिलते हैं, मतलब अलाइन वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं एज अ, अगर कुछ हमें चेंज करना हुआ तो। द अलाइन एट्रीब्यूट अलाउ यू टू अलाइन योर हेडिंग टू लेफ्ट साइड सेंटर और राइट साइड ऑफ योर वेब पेज, इट कैन बी यूज एज अंडर। ठीक है, अलाइन एट्रीब्यूट किसके लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम हेडिंग को लेफ्ट साइड सेंटर राइट साइड में लेके जा सके वेब पेज के। इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे H1 अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, अलाइन टूवर्ड लेफ्ट ऑफ वेब पेज, फिर एंड ऑफ H4। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे जो भी हमारे हेडिंग्स होंगे वो लेफ्ट साइड सेंटर राइट साइड में जा सकते हैं। द पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग क्या होता है, द पैराग्राफ टैग इज रिटन एज ओपन एंगुलर ब्रैकेट P क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। दिस टैग डिफाइन स्टार्ट एंड एंड ऑफ पैराग्राफ इन द टेक्स्ट, इट इज बोथ द कंटेनर एज वेल एज एम्प्टी टैग। वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ यू कैन स्टार्ट द पैराग्राफ यूजिंग टैग यूजिंग ओपन एंगुलर ब्रैकेट P एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट विदाउट क्लोजिंग द प्रीवियस पैराग्राफ टैग। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अवॉइड कन्फ्यूजन, इट इज एडवाइज टू यूज दिस टैग एज अ कंटेनर टैग स्टार्टिंग विद द P टैग एंड एंडिंग विद /P टैग। द पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ ब्लिंक लिंक लाइन बिटवीन टू पैराग्राफ। इसमें कहा गया है कि अगर हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं, जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ओपन एंगुलर ब्रैकेट P एंड देन क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, ये किसके लिए करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोई पैराग्राफ लिखने के लिए तो हम इस टैग का यूज़ करते हैं, और जब एंड करते हैं तो हम /P टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगेन द P टैग यूज़ द अलाइन एट्रीब्यूट्स। अब कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम जो है किस में यूज़ करते हैं, पैराग्राफ में यूज़ करते हैं। जैसे लेफ्ट, इट अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द वेब पेज, फॉर एग्जाम्पल P अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट इन इन्वर्टेड कॉमा एनिमेशन /P।
अगर हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट की तरफ लिखना है वेब पेज के, तो हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। राइट में लिखना है तो पी अलाइन इज इक्वल टू राइट इन इन्वर्टेड कॉमा एनिमेशन स्लैश पी, एंड सेंटर में लिखना है तो पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर इन इन्वर्टेड कॉमा एनिमेशन स्लैश पी। तो स्लैश पी तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारा जो भी पैराग्राफ है वो ओवर हो जा रहा है, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब वो पैराग्राफ लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट से स्टार्ट होगा, या सेंटर से स्टार्ट होगा, ये आपका इन एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करता है। आप जो एट्रीब्यूट्स लिखोगे उसके हिसाब से आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो स्टार्ट होंगे। उसके बाद जो भी आपका पैराग्राफ है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही आप स्लैश पी का यूज़ करोगे तो आपका जो भी पैराग्राफ है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, द लाइन ब्रेक टैग इज रिटन एज बी आर। This tag is used when you want to start a new line but do not want to start a new paragraph. ठीक है, br tag जो है वो line break tag के लिए यूज़ किया जाता है। ये tag तब यूज़ किया जाता है जब एक आप new line start करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि आपको एक new paragraph start करना पड़े। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो कि एक line over हुआ, उसके बाद उसके just नीचे से अगर आप चाहते हो कि एक दूसरा line start हो, तब आप line break tag का यूज़ कर सकते हो। This means that you want योर टेक्स्ट टू कम इन नेक्स्ट लाइन विदाउट लिविंग अ ब्लैंक इन बिटवीन। ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि जब दो लाइन्स के बीच में, जब आप न्यू लाइन स्टार्ट कर रहे हो और पहली लाइन के बीच में अगर कोई भी गैपिंग ना हो, कोई भी ब्लैंक ना छोड़ा जाए, तब हम लाइन ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ये तो पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हुआ सेंटर से। यू यूज़ लाइन बी आर ब्रेक टैग टू स्टार्ट अ बी आर न्यू लाइन एंड देन स्लैश पी। It will be shown on your web page as under. ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आप जो भी वहाँ पे लिखे होगे। You use line break tag to start a new line. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या किया गया है, पहले you use line करोगे फिर br लिखोगे, तो मतलब यहाँ से आप अब आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। ये जो है break tag to start, ये जो है नीचे से स्टार्ट होगा, अगेन आपने br का यूज़ किया है, तो फिर new line जो है वो next line से होगा। और यहाँ पे slash p है, मतलब paragraph आपका over हो चुका है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से शो करेगा यू यूज लाइन ब्रेक टैग टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। हॉरिजॉन्टल रूलर टैग, हॉरिजॉन्टल रूलर टैग जो है वो एचआर से जो है हम लोग लिखते हैं उसको। दिस टैग इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू डिवाइड योर वेब पेज इनटू डिफरेंट सेक्शन। आप जो है इस टैग का यूज़ तब कर सकते हो जब आप वेब पेज को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हो वेब पेज को। इट इज़ ऑल्सो यूज व्हेन यू वांट टू ड्रॉ लाइन बिटवीन टू पैराग्राफ। आप इसको तभी भी यूज़ कर सकते हो जब आप दो पैराग्राफ के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना चाहो। इट इज़ एन एम्प्टी टैग एंड डज नॉट नीड एन एंड टैग। ये जो एक एम्प्टी टैग होता है, इसको एंड करने के लिए किसी टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट गिव्स अ हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन ऑन अ पेज एंड देन द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी शोन ऑन अ नेक्स्ट न्यू लाइन आफ्टर द रूलर। इसमें कहा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल रूलर है, एचआर जो टैग है, वो एक लाइन जो है वो आपके पेज पे फॉर्म करता है, और नेक्स्ट लाइन से आपके जो न्यू एलिमेंट्स है, न्यू टेक्स्ट है, वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, द एचआर टैग्स आर हैविंग फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे विद इट डिस्प्लेज द हॉरिजॉन्टल रूलर ऑफ द स्पेसिफाइड विद इन पिक्सल और इन परसेंटेज। ठीक है, इसमें क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रूलर जो है वो परसेंटेज के हिसाब से एक लाइन फॉर्मेशन करता है। जैसे HR with it is equal to 515 in inverted comma, और HR with it is equal to 80% in inverted comma. ठीक है, HR with it जो है वहाँ पे लिख दिया 550 वो पिक्सल है, एन 80 जो है वो परसेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो हॉरिजॉन्टल रूलर है या लाइन है वो फॉर्म होगा। साइज इट कंट्रोल द हाइट ऑफ द थिकनेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल। अब हॉरिजॉन्टल रूल जो लाइन है उसकी थिकनेस क्या होगी, ये जो है हम इस एट्रीब्यूट से HR साइज से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे HR साइज इज इक्वल टू 4 इन्वर्टेड कॉमा, तब उसका जो थिकनेस होगा वो इसके हिसाब से होगा। कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर। इट इज़ ये जो है बैकग्राउंड कलर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एचआर कलर इज इक्वल टू पिंक इन इन्वर्टेड कॉमा। अलाइंट इज़ यूज टू अलाइन द हॉरिजॉन्टल रूलर लेफ्ट राइट और सेंटर। ये जो है आप हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो लेफ्ट में चाहते हो, राइट में चाहते हो, सेंटर में चाहते हो, ये अलाइन करता है। ठीक है, बोल्ड टैग, अगर आप कोई भी टेक्स्ट जो है बोल्ड में चाहते हो तो वो बी से हम टैग बी टैग से हम लिख सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग हम बी से करेंगे और स्लैश बी से हम उसको एंड कर देंगे। इटैलिक है तो इटैलिक जो टैग है वो हम आई से लिखेंगे, आई से स्टार्ट करेंगे और स्लैश आई से हम ओवर कर देंगे। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो इटैलिक फॉर्म में आएगा। अंडरलाइन टैग, अंडरलाइन टैग में
जो है हम यू के यू टैग से जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यू और स्लैश यू के बीच में हम जो भी लाइन लिखेंगे उस वर्ड के नीचे या उस लाइन के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट में हम फेस कैसे चेंज कर सकते हैं या उसके जो तरह है वो हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब किस तरह से हम जो है लिख सकते हैं। साइज़ जैसे आप देख सकते हैं ये और इसका जो टाइप है लिखने का वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो टाइप है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं या जो हमने लिखा हुआ है उसके कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम फॉन्ट टैग से पता कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वेब पेज डिज़ाइन किया गया, ये बहुत ईजी है। जैसे हमने पढ़ा कि HTML है वो हम स्टार्ट करते हैं HTML से ही, HTML टैग से ही हम कोई भी जो वेब पेज है वो फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। HTML लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, ठीक है। हेड के बीच में टाइटल, नोट ऑन एनवायरनमेंट, ये जो है हमारा वेब पेज का टाइटल होगा। लेकिन ये जो है कहाँ पे वेब पेज का टाइटल जो है हमारे जो वेब पेज है उस पर शो नहीं करेगा, ठीक है। उस पर हेड, यहाँ पे हेड स्लैश हेड लिखेंगे तो हमारा जो भी ये है यहाँ पे ओवर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि येलो कलर से क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। तो बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो इन इन्वर्टेड कॉमा। फिर फॉन्ट फेस हम कौन सी तरह से हम चाहते हैं कि हमारा जो रिटन वर्क है वो कौन से फॉर्मेट में हो तो उसका लिखा गया है। साइज़ लिखा गया है, कलर किस कलर में होना चाहिए वो रिटन वर्क वो भी लिखा गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट जो है वो बी टैग और स्लैश बी के बीच में लिखा गया तो इन्वायरमेंट जो है वो बोल्ड में लिखा जाएगा, ठीक है। अगेन अराउंड अस जो है वो आई एंड स्लैश आई के बीच में लिखा गया तो ये अराउंड अस जो है वो इटैलिक में लिखा जाएगा। बायोटेक जो है वो ब्रैकेट में लिखा गया है एंड अगेन यू और स्लैश यू के बीच में लिखा गया तो बायोटिक ब्रैकेट में लिखा जाएगा, अगेन इसके नीचे अंडरलाइन भी होगा। सेम विथ अबायोटिक, ठीक है। अगेन यहाँ से BR लिखा गया तो लिविंग जो है वो हमारा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, नेचुरल फोर्सेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लिविंग से जो है हमारा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सारी चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद हमारा बॉडी यहाँ पे ख़त्म होता है और लास्ट में हमारा HTML करके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसको शो कैसे करेगा हमारा इस तरह से, ठीक है। वेब पेज ऑन इन्वायरमेंट यहाँ पे जो है हमारा कैपिटल बोल्ड लेटर में शो करेगा, यहाँ पे भी बोल्ड लेटर में शो करेगा। अराउंड अस जो है हमारा इटैलिक में शो करेगा। बायोटिक यानी बायोटिक जो है हमारा अंडरलाइन में शो करेगा, ठीक है। एडिटिंग एन एग्जिस्टिंग HTML डॉक्यूमेंट, अब एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। लोकेट योर फाइल, सबसे पहले आप फाइल को देखिए, क्लिक राइट क्लिक ऑन द फाइल आइकन टू ओपन राइट क्लिक मेनू। अब उस पर उस फाइल आइकन पे राइट क्लिक करना है ताकि राइट क्लिक मेनू हम ओपन कर सके। होवर माउस पॉइंटर ओवर ओपन विथ, ठीक है, उस पर ओपन विथ का ऑप्शन रहता है, उस पर हमें क्लिक करना है और वहाँ से हमें गूगल क्रोम पे ओपन विथ ऑप्शन टू ओपन अ सब मेनू, ठीक है, यहाँ से हमें देखना है। फिर उसके बाद हमें नोट पैड पे क्लिक करना है। दिस विल ओपन योर HTML डॉक्यूमेंट इन नोट पैड सो दैट यू कैन मेक चेंजेस इन द फाइल, ताकि आपको जो है आपका जो फाइल है वो नोट पैड पर ओपन हो जाएगा ताकि आप कुछ चेंजेस ला सको, कर सको। आफ्टर मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस, आप चेंजेस करने के बाद कंट्रोल प्लस एस की जो जैसे ही आप कीबोर्ड पे प्रेस करोगे आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। इफ़ योर वेब ब्राउजर इज ऑलरेडी ओपन इन वेब ब्राउजर यू नीड टू प्रेस द F5 की टू सी द चेंजेस यू हैव डन। अब वेब पेज ऑलरेडी अगर आपका वेब ब्राउजर में खुला हुआ है तो आप F5 की को प्रेस करके रिफ्रेश करके आप अपने न्यू पेजेस जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग का वीडियो ओवर होता है। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा। थैंक यू।